हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। बहुत दिनों का साथ है आपका, आप लोगों ने चैनल को बहुत लाइक किया, पसंद किया, शेयर किया। तो आज फिर एक वीडियो, एक नोटिस आया है मानु पॉलिटेक्निक के लिए, जो कि कुछ बैड न्यूज़ है, कुछ गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें नोटिस में। तो ये 26 तारीख का नोटिस है और आज रिलीज़ किया है 27 तारीख को सुबह। नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ पॉलिटेक्निक कोर्स। पॉलिटेक्निक कोर्स का जो लिस्ट आया था, सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, तो उसको वापस ले लिया गया था। तो ये रिवाइज्ड है कि फिर से वो लिस्ट आएगा और कब आएगा, सारा डेट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट ऑल द कंसर्न दैट ड्यू टू सम इश्यूज द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट इज विथड्रॉन। यानी जो आपका, जो मैंने नोटिस भी लगाया था, बताया भी था कि जो रिजल्ट आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो वापस ले लिया गया है। ठीक है, तो वापस तो सच में ले ही लिया गया, सबको पता है। तो क्यों लिया गया है वो भी यहाँ पे बता दिया गया। और ठीक है, इट इज बींग ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न दैट एज पर यूनिवर्सिटी नोटिफाइड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, यूनिवर्सिटी के जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ था, 2021 का जो प्रोस्पेक्टस था, उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और अपैरल इंजीनियरिंग, यानी कि ऑटोमोबाइल जो गाड़ियों का जो इंजीनियरिंग होता है, और अपैरल इंजीनियरिंग जो गहनों का इंजीनियरिंग होता है, गहना जेवर जो होता है उसका इंजीनियरिंग होता है, कोर्सेज आर नॉट बींग ऑफर्ड एट पॉलिटेक्निक कटक एंड कदप्पा। कटक और कदप्पा, जो कटक जो उड़ीसा में और कदप्पा जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे दो इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और अपैरल इंजीनियरिंग कोर्स का दिया गया था आपके प्रोस्पेक्टस में, लेकिन वो ऑफर नहीं किया जाएगा, यानी कि वो ब्रांच वहाँ पे नहीं चल पाएगा। ठीक है, किसी वजह से, ठीक है, कुछ भी वजह हो सकता है कि वहाँ पे ये दो ब्रांचेस नहीं होंगे। तो अब आपको क्या करना है, जिन्होंने ये, जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ था या जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था, उनको चेंज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या नोटिस है, क्या करना है आपको। ठीक है, कोर्सेज आर बींग ऑफर्ड एट पॉलिटेक्निक कटक एंड कदप्पा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज़, it is being brought to notice that of notice of all concerned that as per university notified prospectus this are not being offered। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑफर नहीं किया जा रहा है। अब ये ब्रांच नहीं है, ये मान के चलिए, ठीक है, वहाँ पे ये ब्रांच नहीं है। तो आपको क्या करना है, द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू रीओपन एडमिशन पोर्टल 28 तारीख से, 28 से 31 तक पोर्टल फिर से खुलेगा। ठीक है, अक्टूबर 2020 फॉर फर्स्ट फेज काउंसलिंग प्रोसेस। फर्स्ट फेज के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए 28 से 31 तक आपका पोर्टल खुलेगा। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए और बार बार ये क्वेश्चन मत डालिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, 28 से 31 तारीख अक्टूबर के 28 से 27 है और कल से लेकर 31 तारीख तक पोर्टल जहाँ से आप लोगों ने हॉल टिकट डाउनलोड किया था वो ओपन होगा। किस लिए ओपन होगा, ठीक है, वो उसी के लिए ओपन होगा कि आप उसमें जिन्होंने ये भरा था वो वहां से चेंज कर सकें कुछ और। ठीक है, फॉर फर्स्ट फेज काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन टू इनटू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज, ऑल कैंडिडेट्स विल गिवन ऑप्शन टू रिटेन और चेंज देयर कोर्स एंड कैंपस सिलेक्शन बाय रेफरिंग द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो यही मैंने बोला कि बैड न्यूज तो यही था कि आपका ये दो, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और अपैरल इंजीनियरिंग है, चलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा बैड न्यूज नहीं है, ये समझिए एक अच्छा ही न्यूज़ है। जिनका अप्रैल इंजीनियरिंग में हो गया था, अप्रैल इंजीनियरिंग कोई बहुत बढ़िया ब्रांच तो नहीं है, ख़राब भी नहीं बोल सकते, बढ़िया भी नहीं बोल सकते, ठीक है, और सिविल जैसे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सब जो कोर ब्रांचेज हैं वो अगर बंद होते तो थोड़ा सा अफसोस होता, लेकिन यहाँ पे ऑटोमोबाइल का मुझे थोड़ा अफसोस है क्योंकि ऑटोमोबाइल डिप्लोमा करने के बाद बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, ठीक है, टेक्नीशियन की इंडिया में कम से कम 12-15 हज़ार की तो स्टार्टिंग में मिल ही जाती थी, तो इसके लिए थोड़ा अफसोस है मुझे, लेकिन अप्रैल इंजीनियरिंग का ऐसा कोई अफसोस नहीं है। लेकिन ये खुशी की बात है कि जिन लोगों ने गलत सलत भर दिया था अपना चॉइस, तो वो अपना आप सही कर सकते हैं, 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका मिला है आपको, कल से स्टार्ट हो जाइए और बहुत ही सोच समझ के आपको भरना है। ठीक है, अगर आपने देखिए उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले नोटिस देख लेते हैं। तो नोटिस में बस इतना ही था और मैंने यहाँ पे वही दिया हुआ है जो आपका पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक देखिए, मानु पॉलिटेक्निक में क्या क्या है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल है, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है। ठीक है, बेंगलुरु में क्या क्या है, मतलब जो हटा है क्या हटा है, वो सिर्फ यही दो, कटक और कदप्पा में हटा है, जो कि ऑटोमोबाइल और अपैरल इंजीनियरिंग है। अपैरल इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोगों का हुआ था, बहुत ज़्यादा ज़्यादा रैंक वालों का हो गया था उसमें। ठीक है, तो उनको अब क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये सारे तो आपको पता ही है कहाँ पे क्या है, बाकी सब जगह वैसे के वैसे ही है। इसके लिए भी बार बार क्वेश्चन मत डालिएगा प्लीज़ व्हाट्सएप पे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहीं पे, वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें आपका जो भी जहाँ पे ब्रांच था वो सब वहीं का वहीं है। ठीक है, सिर्फ कदप्पा में और कदप्पा
में और कटक में दो जगह दो ब्रांच बंद हुआ है, एक ऑटोमोबाइल और एक अप्रैल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इन दो में जिन्होंने भरा है, जिनका नाम आया था, तो उनका नाम वहां से हट जाएगा। बाकी का भी उनके वजह से बाकी का भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ा बहुत बहुत मामूली चेंज होगा, ऐसा कुछ ज्यादा चेंज होने वाला है नहीं। लेकिन अब आपको क्या करना है, जिन्होंने गलती से भर दिया था, यानी कि अपना च्वाइस सही से नहीं भरा था, उस टाइम नहीं पता था, अब तो बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद आपको क्लियर हो चुका है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं अभी फिर से क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या करना, आगे डेट्स देख लेते हैं क्या डेट्स है। आगे जो डेट है वो है आपका 27 अक्टूबर नोटिफिकेशन है ये, 28-31 आपका पोर्टल खुलेगा और उसमें आपको चेंजेस करना है। फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट आ जाएगा 2 नवंबर को, ठीक है, ये बिल्कुल पक्का वाला है, इंशाल्लाह इस बार सब कुछ टाइम पे होना चाहिए क्योंकि और कुछ बचा है नहीं, ठीक है। तो 2 नवंबर 2020 को आ जाएगा सर्टिफिकेट अपलोड का। फिर से आपको अपलोड तो आप लोगों ने कर ही दिया है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर सकते हैं, जिसे जिनका देखिए ये भी है खुशी की बात, जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था उनके लिए भी टाइम मिल गया, देखिए जो भी करता है अच्छा ही करता है, ठीक है। तो 3rd and 4th नवंबर को आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिन्होंने अपलोड कर दिया उनको बार, ये सब भी क्वेश्चन आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, जिन्होंने अपलोड कर दिया है उनको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना है कि आपका क्या क्या अपलोड हो चुका है, ठीक है, पोर्टल पे जाके चेक कर लीजिएगा, आपने पहले अपलोड किया है तो अगर वहां पे है तो ठीक है, नहीं है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। काउंसलिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, 5 और 6 को वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपके पास मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है, आप फी पे कीजिए, ठीक है। ये आपके मोबाइल पे आता है, ये पर्सनल मैसेज आता है मोबाइल पे, जो कि 7 से 10 तक आपको पैसा पे कर देना है, ठीक है। फालतू के क्वेश्चंस प्लीज मत कीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, डेट बिल्कुल क्लियर है, कल से पोर्टल खुलेगा, 28-31 तक आपको अपना चेंजेस करना है उसमें, जो भी चेंजेस करना है, ठीक है। चेंजेस कैसे करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ रिलीज ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल, ठीक, 2 नवंबर को लिस्ट आ जाएगी इंशाल्लाह, उस दिन हम लोग लाइव रहेंगे बिल्कुल 28 तारीख को सुबह सुबह, जब भी आएगा उसके तुरंत बाद ही जैसे ही आता है उसी टाइम लाइव हो जाएंगे, ठीक है, वादा है अपना इंशाल्लाह। और 3rd और 4th नवंबर को आपको अपलोड करने का टाइम है, 2 दिन का टाइम मिलता है बिल्कुल। और ऑनलाइन काउंसलिंग का जो वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5-6 को करके आपको मैसेज आ जाएगा 5 और 6 तारीख को, ठीक है, कि आपका एडमिशन इस जगह पर हो चुका है, आप फी पे कीजिए, ठीक है। तो आपको 7 से 10 के बीच में फी पे कर देना है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इन केस ऑफ एनी, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे का नोटिस, इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट नॉट सबमिटिंग द रिवाइज्ड ऑप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एंड कैंपस, इट विल बी प्री अज्यूम्ड दैट द ओरिजिनल ऑप्शंस विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने चेंज नहीं किया, किसी वजह से चेंज नहीं कर पाया, या किसी बच्चे को नहीं पता चला ये नोटिस, उन्होंने चेंज नहीं किया, तो क्या होगा, क्या माना जाएगा, प्री अज्यूम्ड ये माना जाएगा कि दैट द ओरिजिनल ऑप्शन, जो आपने पहले ऑप्शन भरे थे, विल रिमेन अनचेंज, ठीक है, वो अनचेंज्ड रहेगा, यानी जो आपने पहले माना था, पहले आप लोगों ने जो भरा था, चूज किया था प्रिफर कोर्स अपना और कैंपस, कोर्स और कैंपस दो चीज होता है, ठीक है, कोर्स और कैंपस जो भी आपने चूज किया था पहले फॉर्म भरने में, वही वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ होगा क्या, एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड अप्रैल टेक्नोलॉजी एंड द सीट अलॉटमेंट विल बी डन अकॉर्डिंगली, ये चीज जब नहीं रहेगा तो इसको नहीं मान के जब फिर से उसका अलॉटमेंट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से होगा, यानी जो आपने पुराना भरा हुआ है उसमें अगर मान लीजिए कि आपने सेकंड चॉइस आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दिया हुआ था, तो सेकंड चॉइस वो क्रॉस हो जाएगा, तो आपका 3rd चॉइस लिया जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए कि ये नहीं है। अब ये नहीं है तो क्या होगा, आपने अगर 1st चॉइस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दिया है, ये नहीं है तो क्या होगा, 2nd चॉइस आपको मिलेगा अगर आपका रैंक अच्छा है तो, ठीक है। अप्रैल इंजीनियरिंग बहुत लास्ट वालों को भी मिल गया था, क्योंकि जल्दी चूज कोई करता नहीं है अप्रैल इंजीनियरिंग, तो देखा था मैंने 1000-1200 तक के बच्चों को भी, रैंक वालों को भी अप्रैल इंजीनियरिंग अप्रैल टेक्नोलॉजी मिल गया था, तो अभी उनको क्या होगा, उनको नहीं मिलेगा, यही हो सकता है कि उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी ये तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है अप्रैल इंजीनियरिंग, इसलिए उनको मिल गया था, अब जो आएगा लिस्ट उसमें नहीं मिलेगा, तो बहुत ही सोच समझ के आपको ना फिर से चॉइस करना है, ये बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों को, तो ठीक है मैं बताता हूँ कि आपको चॉइस कैसे फिल करना है, ठीक है। तो इसमें आप ये कर लीजिए कि जिनको जहाँ पे चाहिए, मेन है कि आपका प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, आपको दिमाग में प्रेफरेंस रखना है, प्रेफरेंस समझते हैं, प्रायोरिटी किसको देना है, ठीक है। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि अगर आप देखिए, दो चीज होता है, पहला होता है आपका कोर्स, ठीक है, पहला है कोर्स, CORSE, ठीक है, कोर्स, दूसरा क्या है, प्लेस, जगह, ठीक है, तो दो चीजें हैं, तो आपको देख लेना है कि आपको कोर्स प्रेफर करना है या प्लेस प्रेफर करना है, आपको जगह चाहिए या कोर्स चाहिए, ठीक है। अगर आपका पसंदीदा चीज जगह है, जैसे आप अगर दरभंगा बिहार से हैं, दरभंगा के आसपास के हैं, तो आपका प्रेफरेंस तो दरभंगा ही होगा ना,
आप भी अगर आप फाइनेंशियली कमजोर भी हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं दूसरे जगह, बैंगलोर, हैदराबाद, कटक या कदप्पा, ठीक है, अगर ये सब जगह नहीं जाना चाहते हैं, तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा, प्लेस होगा, आप सोचोगे कि दरभंगा में ही मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो आपको क्या फिल करना है? सबसे पहले अगर आपका रैंक अच्छा है आप, तो आपको रैंक भी पता है और इजीली आप उसको फिल कर सकते हो, तो फर्स्ट चॉइस आपका क्या होगा, दरभंगा सिविल, ठीक है, आपको दूसरी जगह जाना ही नहीं है मान लीजिए, तो सेकंड चॉइस क्या होगा, दरभंगा मैकेनिकल, ठीक है, सिविल के बाद मैकेनिकल का ज्यादा क्रेज है, थर्ड चॉइस आपका क्या होगा, दरभंगा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, फोर्थ चॉइस क्या होगा, जैसे यहाँ पे दरभंगा में देख सकते हैं आप क्या है, दरभंगा में जो सीट्स का है मैं बता देता हूँ आपको, हैदराबाद दरभंगा, ठीक है, दरभंगा में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, तो मैकेनिकल नहीं है, सॉरी, ठीक है, मैकेनिकल यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या पुट कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो यहाँ पे सिविल हो गया, उसके बाद आप अगर लड़के हैं तो लड़का लड़की में कुछ खास फर्क तो होता नहीं, लेकिन अगर लड़के हैं तो सिविल, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसमें अपने चॉइस के हिसाब से ये तीनों भर सकते हो आप, ठीक है, ये तीनों आपको भर देना है, ये कब मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ लीजिए, ये है आपका, अगर आपका प्लेस, आपका जो प्रेफरेंस है वो जगह पे डिपेंड करता है, तो अगर आप, ठीक है, ये एक हो गया जगह के हिसाब से, अगर आप मान लो आप हैदराबाद ही आपको चाहिए, ठीक है, आप अगर सोचते हो कि नहीं मुझे तो हैदराबाद में ही करना है चाहे जो हो जाए, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से भरो, ठीक है, उसी हिसाब से भरोगे तो क्या भरोगे, हैदराबाद में क्या क्या है, देखिए सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप सीधा पहला चॉइस भरोगे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद सिविल, ठीक है, फर्स्ट चॉइस आपका ये हो जाएगा हैदराबाद सिविल, सेकंड चॉइस मान लीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड, फोर्थ, चारों ये भर दीजिए, अगर आपको सिर्फ हैदराबाद ही चाहिए तो आपको फर्स्ट लिस्ट में मिलेगा तो मिलेगा, अगर आपका रैंक उस हिसाब से है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, फिर सेकंड लिस्ट में आपको चांस मिलेगा, ठीक है, ऐसे काम होता है, फर्स्ट लिस्ट में आपको वही मिलेगा जो आपने चार भरा है, अगर आपका रैंक है तो, अगर रैंक नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके बाद क्या है, और अगर आपका चॉइस आपको मान लीजिए कि आपको नहीं, आपको चॉइस हो गया, आपका प्लेस का मैंने बता दिया, अगर प्लेस आपका चॉइस है तो प्लेस के हिसाब से आप भर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये सोचना है, अगर आपका चॉइस है कि नहीं मुझे तो सिविल ही करना है चाहे जो हो जाए, ठीक है, अब मैं कोर्स की बात बता रहा हूँ, अगर कोर्स आपका पसंद है तो, अगर कोर्स आपको पसंद है, ठीक है, अगर कोर्स आपका पसंद है कि मुझे सिविल ही करना है चाहे जो हो जाए, और आपका रैंक भी डिपेंड करता है, अगर रैंक आपका अच्छा है तो आप उसमें डालिए सिविल डिप्लोमा हैदराबाद, ठीक है, फर्स्ट चॉइस देख लीजिए जहाँ पे आपको चाहिए, फिर जगह कोई माने नहीं रखता, जब आपको सिविल ही करना है तो जगह कोई माने नहीं रखता, आप सिविल हैदराबाद डाल सकते हैं, सिविल बेंगलुरु डाल सकते हैं, ठीक है, फिर सिविल दरभंगा डाल दीजिए, समझ ही रहे होंगे आप मेरे कहने का मतलब, ठीक है, तो ऐसे करते हुए डालेंगे तो चार चॉइस आपका हो जाएगा, कदप्पा सिविल है, ठीक है, और कहाँ कहाँ सिविल है, तो ये चार चॉइस हो गया, और भी सिविल है, यहाँ पे भी सिविल है, कटक में भी सिविल है, तो पांच जगह सिविल है, तो पांच जगह सिविल है तो आपको पांच चॉइस तो नहीं, चार शायद मिलता है चॉइस, तो आपको उसके हिसाब से चारों अपने जगह के हिसाब से, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका जगह क्या है, सिविल तो लेना ही लेना है, लेकिन आपको फर्स्ट जगह का चॉइस आपके हिसाब से, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बढ़ सकते हैं आप, ठीक है, आपका फर्स्ट चॉइस मान लीजिए कि आपको मन है कि हैदराबाद से करें तो हैदराबाद डालिए फर्स्ट चॉइस, फिर दूसरा है कि अगर वहां नहीं मिला तो मुझे अपने घर के पास मिल जाए दरभंगा, ठीक है, तो दरभंगा डाल दीजिए सेकंड चॉइस में, थर्ड चॉइस ऐसा सोचिए कि मुझे सिविल ही करना है लेकिन चलो इन दोनों के जगह पे बैंगलोर भी मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, तो थर्ड चॉइस बैंगलोर डाल दीजिए, ठीक है, उसके बाद फोर्थ चॉइस कुछ भी डाल दीजिए, चलो कहीं भी मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके प्रेफरेंस डाला जाता है, ऐसे सोच करके, ठीक है, ये दो तीन तरह का सोच है जो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैंने बताया है, ठीक है, अब किसी का सोच होता है कि नहीं मुझे दरभंगा में ही कोई भी ब्रांच मिल जाए, जो फर्स्ट मैंने बताया दरभंगा में ही आपका चारों चॉइस दरभंगा डालिए, जो भी चार ब्रांच है दरभंगा में, तीन ही ब्रांच है दरभंगा में, ठीक है, सिविल है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, चार है, आईटी भी है इसमें, ठीक है, तो आप ये चारों ब्रांच दरभंगा का डाल दीजिए, या आप जहाँ के भी हैं जिस भी जगह पे आपको चाहिए वो चारों वहीं डाल दीजिए, आपका मन नहीं मुझे हैदराबाद में ही पढ़ना है मेन कैंपस में, चाहे कोई भी ब्रांच मिल जाए मुझे, ठीक है, तो आप डाल दीजिए, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा, सेकंड लिस्ट में आएगा, सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा, थर्ड लिस्ट में आएगा, लेकिन जो आप चॉइस डालेंगे उसी के हिसाब से आएगा। अच्छा, जिन लोगों ने अप्रैल इंजीनियरिंग डाला था वहां पे आप अपने हिसाब से जो भी ब्रांच आपको अच्छा लगता है उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है, चेंज कर देंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, नहीं चेंज करेंगे तो वहाँ वो माइनस हो जाएगा, वो चीज आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, खाली जगह रह जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल और अप्रैल इंजीनियरिंग जिन लोगों ने ऑप्शन में डाला था, अपने चॉइस में डाला था, उसको चेंज कर लीजिए कल और परसों, कल से लेकर 28 से लेकर 31 तक का टाइम है, 28, 29, 30, चार दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको नोटिस, चार दिन का टाइम है, 28, 29, 30, 31, चार दिन में आराम से सोच समझ के कर लीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है, मैसेज कीजिए ताकि, और भी ज़्यादा डिटेल में बात करना है तो लाइव भी आ सकता है रात में,
रात में आके लाइव आपसे बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें सारे लोग अपनी अपनी परेशानी बताएंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करके बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है, अपने अपने केस के हिसाब से बात कर सकते हैं, जो जिसको अभी केस रहेगा वो अपना मैसेज करेगा, उसके उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो रात में लाइव आते हैं 10 बजे, ठीक है। चलिए, इतना ही नोटिस था, इंशाल्लाह अच्छा ही लगा होगा। वीडियो कैसा लगा वो बताइए, वीडियो छोड़िए, नोटिस कैसा लगा वो बताइए, और अच्छा ही लगा होगा, बहुत ही अच्छा नोटिस है, क्लियर है सबको, और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं फिर रात में लाइव 10 बजे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।